एजेक्स। सबसे पहले देखते हैं एजेक्स होता क्या है। एजेक्स एक ऐसी टेक्निक है जो वेब पेज के पार्ट को अपडेट करता है पेज को रिलोड किए बिना। एजेक्स कंटिन्यू करने से पहले आपके पास HTML और जावास्क्रिप्ट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो ऑलरेडी हम पिछले सेशंस में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एजेक्स होता क्या है? एजेक्स का फुल नेम है असिंक्रोनियस जावास्क्रिप्ट एंड XML। एजेक्स एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप पेज को फास्ट एंड डायनामिक क्रिएट कर सकते हो। एजेक्स से वेब पेज में आप असिंक्रोनियसली स्मॉल डेटा को सर्वर के पीछे पेज को रिलोड किए बिना अपडेट कर सकते हो। एजेक्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो, जैसे कि गूगल मैप, जीमेल, यूट्यूब एंड फेसबुक। अब देखते हैं एजेक्स कैसे वर्क करता है। यहाँ पे पिक्चोरियल रिप्रेजेंट किया गया है कि ब्राउज़र रिक्वेस्ट को क्रिएट और सेंड करता है सर्वर के ऊपर, फिर सर्वर उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करता है और उसके बाद वो ब्राउज़र को कंटेंट प्रोवाइड करता है जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के थ्रू। एजेक्स इंटरनेट के स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंडेड है और वो दो टाइप के कॉम्बिनेशन को यूज़ करता है। फर्स्ट, XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, जो डेटा को रिट्राइव करता है वेब सर्वर से। दूसरा, JavaScript/DOM, जो डेटा को डिस्प्ले करता है। अब देखते हैं XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। सभी मॉडर्न ब्राउज़र को XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट सपोर्ट करता है। XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट डेटा को एक्सचेंज करता है सर्वर के साथ आपके कोड के पीछे। इसका मतलब ये हुआ कि इससे आप डेटा को अपडेट कर सकते हो पेज को रिफ्रेश किए बिना। सभी मॉडर्न ब्राउज़र जैसे कि क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर 7+, फायरफॉक्स, सफारी एंड ओपेरा, सब में XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इनबिल्ट रहता है। अब देखते हैं उसकी सिंटैक्स। तो XML HTTP रिक्वेस्ट आपको क्रिएट करने के लिए पहले एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा और उसको एज ए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कैसे? तो वेरिएबल इक्वल टू न्यू ऑफ XML HTTP रिक्वेस्ट, और अगर आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर का ओल्ड वर्जन है तो वेरिएबल इक्वल टू न्यू ऑफ एक्टिव एक्स ऑब्जेक्ट और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा Microsoft.XML/HTTP। आइए देखते हैं कि सर्वर पे रिक्वेस्ट कैसे सेंड होती है। तो सर्वर पे रिक्वेस्ट आप XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की ओपन या तो सेंड फंक्शन से कर सकते हो। कैसे होगा? उसकी सिंटैक्स है वेरिएबल डॉट ओपन, ब्रैकेट में कैपिटल में गेट, उसके बाद फाइल का नाम और बुलियन वैल्यू ट्रू, और उसके बाद वेरिएबल का नाम डॉट सेंड मेथड का आपको यूज़ करना है। अब देखते हैं एजेक्स की ऑन रेडी स्टेट चेंज इवेंट क्या होती है। अगर सर्वर पे रिक्वेस्ट सेंड हो जाती है तो उसके ऊपर हमें कुछ एक्शंस परफॉर्म करनी होती है। ऑन रेडी स्टेट चेंज इवेंट तब एग्जीक्यूट होगी जब हर बार रेडी स्टेट चेंज होगा। रेडी स्टेट प्रॉपर्टी XML HTTP रिक्वेस्ट के स्टेटस को होल्ड करता है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, आगे उसकी प्रॉपर्टी को डिस्क्रिप्शन के साथ समझते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी और उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ऑन रेडी स्टेट चेंज ये फंक्शन को स्टोर करता है और हर बार रेडी स्टेट प्रॉपर्टी चेंज होगी तब ऑटोमेटिकली कॉल करता है। रेडी स्टेट जो XML HTTP रिक्वेस्ट के स्टेटस को होल्ड करता है, जैसे 0 to 4, 0 पे आपकी रिक्वेस्ट इनिशियलाइज नहीं होगी, फर्स्ट पे आपके कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, सेकंड पे आपकी रिक्वेस्ट रिसीव होगी, थर्ड पे आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी
और फोर्थ पे आपकी रिक्वेस्ट फिनिश हो जाएगी। उसके बाद आता है स्टेटस। स्टेटस दो टाइप के होते हैं, 200 जिसका मीनिंग ओके है और 404 जहाँ पे आपका पेज फाउंड नहीं होगा। अब हम एक सर्चिंग का एग्जांपल देखते हैं तो आपको एजेक्स पूरा समझ में आएगा। तो उसके लिए हमने एक डेटाबेस क्रिएट करके रखा हुआ है और उसके अंदर थोड़ी वैल्यूज़ डाली है। फिर हम ड्रॉपडाउन के अंदर जो भी नाम सर्च करेंगे उसके डेटा आपको पेज को रिफ्रेश किए बिना मिल जाएंगे। आइए देखते हैं इसका कोड। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डेटाबेस का कनेक्शन किया है विथ लोकल होस्ट रूट और डेटाबेस का नाम है db_user, जो ऑलरेडी हम देख चुके डेटाबेस के चैप्टर के अंदर। अब हमने यहाँ पे एक फॉर्म डिज़ाइन किया है जिसके अंदर एक सिलेक्ट का ऑप्शन रखा हुआ है, जिसके अंदर हमने टेबल के अंदर से सिर्फ यूज़र का नाम और उसका आईडी फेच करके रखा हुआ है यूजिंग व्हाइल लूप। और उसके नीचे एक डिवीज़न बनाया है जिसके अंदर हमने लिखा है पर्सन इन्फो विल बी लिस्टेड हियर। अब उसके बाद हमने क्या किया है, हेड सेक्शन में हमने एक फंक्शन बनाया है शो यूज़र, जिसके अंदर हमने एक वेरिएबल पास किया है str। अब अगर स्ट्रिंग की वैल्यू ब्लैंक आएगी तो हम हिंट पे उसका मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे, यानी कि ड्यू टैग के अंदर। लेकिन अगर आपकी वैल्यू आती है तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे ब्राउज़र डिटेक्शन का कोड होगा। कैसे? तो सबसे पहले अगर आपका ब्राउज़र फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी या ओपेरा हुआ तो उसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। और अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ तो जैसे हमने देखा था उसके तरह हमने ActiveX ऑब्जेक्ट और ब्रैकेट में Microsoft.XML HTTP पास कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमने ऑन रेडी स्टेट चेंज के अंदर फंक्शन को कॉल किया है। और अगर आपकी वैल्यू का स्टेट 4 हुआ या तो फिर 200 हुआ तो आपका कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा कि document.getElementById डिवीज़न का आईडी और इनर HTML फॉर्मेट के अंदर आपको रिस्पॉन्स करेगा। और हमने दो मेथड यूज़ की है, पहले तो ओपन जिसके अंदर हमने लिखा है गेट और उसके अंदर हमने पेज का नाम पास किया है विथ क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ और उसका रेफरेंस वेरिएबल है str। जैसे ही वैल्यू ट्रू होगी वो रिक्वेस्ट क्या हो जाएगी, सेंड हो जाएगी। अब गेट यूज़र पेज के अंदर हमने क्या किया है, कनेक्शन फाइल को इंक्लूड किया है, क्यू वेरिएबल को हमने गेट किया यानी कि यहाँ पे उसका आईडी मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, सभी यूज़र के रिकॉर्ड को फेच करना है। तो हम क्वेरी यूज़ करेंगे $sel इक्वल टू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम यानी कि यूज़र वेयर यूज़र आईडी इक्वल टू $q। और उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो $result इक्वल टू $connection ऑफ क्वेरी और उसके अंदर हम क्वेरी का वेरिएबल पास कर देंगे। उसके बाद हमने टेबल फॉर्मेट के अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी को फेच करवा दिया है। तो आइए देखते हैं कि हमें आउटपुट कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे ड्रॉपडाउन के अंदर से हम कोई भी पर्सन को सिलेक्ट करेंगे तो पेज रिफ्रेश नहीं होगा और उसके डेटा आपको मिल जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे राम सिलेक्ट किया, पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है और आपको उसकी डिटेल मिल गई। तो इस तरह से आप एजेक्स का यूज़ PHP के साथ कर सकते हो और डेटा को फास्ट एक्सेस कर सकते हो। अब एजेक्स के कोड को थोड़ा समझते हैं कि ये एग्जैक्टली वर्किंग हुआ कैसे। तो हमारा फंक्शन था सो यूज़र जिसके अंदर हमने पास किया था str और ये फंक्शन को हमने कॉल किया है सिलेक्ट की ऑन चेंज इवेंट के अंदर। तो उसके अंदर ऑप्शन में आपको वैल्यू में आपको यूज़र आईडी फेच हो रहा है, वो वैल्यू
यहाँ पे गई दिस डॉट वैल्यू के अंदर, जो रिडायरेक्ट हुई str फंक्शन के अंदर, और ये str वेरिएबल आपका यहाँ पे क्या हुआ है, कॉन्केट हुआ है किसके साथ, क्यू के साथ, और उसको हमने रिडायरेक्ट किया है गेट यूज़र डॉट php के अंदर। गेट यूज़र php में हमने क्यू वेरिएबल की रिक्वेस्ट क्यू के अंदर स्टोर कर दी है और उसके बाद क्वेरी को एग्जीक्यूट करवा के फेच कर दिया है। तो इस तरह से आप एजेक्स का वर्क कर सकते हो। तो इस चैप्टर में हमने देखा एजेक्स क्या होता है, किस तरह से काम करता है, उसके ऑब्जेक्ट, उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड एग्जांपल के साथ।